Good evening, everyone. This is Dr. Suresh once again, and I'm going to talk about gastritis and acidity. तो शुरू करूंगा गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी का मतलब क्या है. मतलब ये है कि जो एसिड खाने को जलाने के लिए और पकाने के लिए बना था वो एसिड कोई काम नहीं करता और अपने आप को ही जलाना शुरू कर देता है. एक स्टेज ऐसी आती है जीवन में. ऐसा क्यों होता है? जो मैंने आपको डायबिटीज में समझाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि शरीर का एक ही पर्पज है, खाने को जलाना या खाने को पकाना. और जब हम पका पकाया खाएंगे तो एसिड उसको पकाने के चक्कर में ही घुमाता रहता है, पतला तो कर देता है लेकिन उसको पका नहीं पाता. क्योंकि एसिड खाने को नहीं पका पाता तो एसिड का एसिड ही बना रहता है और फिर ऊपर से मसाला मिर्ची सब कुछ हो तो और एसिड प्रोड्यूस होता है लेकिन काम कुछ नहीं कर पाता. क्योंकि वो काम कुछ नहीं कर पाता तो एक दिन आता है वो दुखी हो जाता है. निकट्टू तो हमने कर ही दिया पर वो दुखी हो जाता है. जब वो दुखी होता है तो फिर अपने आप को ही जलाना शुरू करता है. वो हाइपर एसिडिटी जब होती है तो खुद जलना शुरू हो जाता है और एसिड जला नहीं पाता तो वो लगा रहता है, बुड़बुड़ाता रहता है तो गैस पैदा होती रहती है. गैस पैदा होती है तो डकार आता है तो उसके साथ एसिड ऊपर को उछलता है तो यहाँ पे कलेजे में दर्द होनी शुरू हो जाती है या छाती के सेंटर में निचले हिस्से में जाके जलन होनी शुरू हो जाती है, ये दर्द होनी शुरू हो जाती है. बुरी बात ये है कि ये जलन और दर्द बिल्कुल वैसी होती है जैसी हार्ट अटैक में होती है. मैं ये कह रहा था कि जब एसिड उछालता रहता है तो गैस बनती रहती है, गैस बनती है तो डकार आता है या डकार ना भी आए तो उछाल ऊपर को मारता है. जब ऊपर को उछाल मारता है तो एसिड ईसोफेगस यानी खाने की नाली को जलाता है तो वैसी दर्द या जलन होती है जैसी हार्ट अटैक में होती है. और हम सोचते रहते हैं कि ये तो जरा गैस की बीमारी है तो ना तो हार्ट को देख पाते हैं ना गैस की बीमारी को देख सकते हैं. और हम अकलमंद हो चुके हैं इसलिए हम क्या करते हैं, हम मतलब डॉक्टर लोग अकलमंद हो चुके हैं, हम कहते हैं ये तो गैस है तू एंटासिड खा ले. देखो एक तरफ तो बच्चे को पढ़ने नहीं दिया कभी, नकल मारना सिखा दिया तो बच्चा क्या करेगा, वो डिग्री लेके 3 इडियट्स की तरह घर में बैठा रहेगा लेकिन जो असली डिग्री जिसने उसके बदले ली थी वो तरक्की कर जाएगा. इसमें उस नाम नहीं याद आता यार जल्दी से, उस खान का क्या कसूर है जो हीरो था उसमें, जो लेक के पास जाके बैठा रहता था और वहीं उसने 3000 पेटेंट ले लिए. उसी तरह हमारा शरीर करता है. जब जलन होती है तो हम एंटासिड लेते हैं तो या तो एसिड बनने नहीं देते या एसिड को न्यूट्रलाइज करते रहते हैं. तो इसका मतलब या बेवकूफ बनाते रहते हैं या उसको मार नहीं पड़ने देते और उसको अपना काम नहीं करने देते. उससे ना तो फूड पाइप यानी खाने की नाली में जलन होती है बल्कि एसिड स्टमक को भी जलाना शुरू कर देता है. और क्योंकि खाना पका पकाया था तो स्टमक से जल्दी ही खाना आगे चला जाता है. जब आगे जाता है तो एसिड फुल खाना आगे जाता है. वो एसिड फिर ड्यूओडेनम यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन के पहले हिस्से को भी जलाना शुरू कर देता है. उससे पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ईसोफेजियल अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं. फिर एंडोस्कोपी कराते हैं. फिर जी डॉक्टर ने बोला एंडोस्कोपी में आपके जो छाले बन रहे हैं अंदर, इसलिए आप ये तो एंटासिड खाते रहोगे तो एक दिन आता है स्टमक का भट्टा बैठ जाता है. उससे B12 की कमी तो होती है लेकिन चीज़ें पचनी भी बंद हो जाती हैं या कम हो जाती हैं. उधर मैंने बताया कि विटामिन डी की कमी हम सबको है और वो कमी होती है तो हीलिंग पे असर पड़ता है, इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, कैंसर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और फिर हम रोते रहते हैं जीवन भर की अब तो लिवर खराब हो गया, अब तो कैंसर बन गया, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया. और एंटासिड का सहारा ही लेते हैं, जेब में रखते हैं कुछ लोग तो गोली को. कहने का मतलब ये है कि एसिडिटी एक्चुअली कोई बीमारी नहीं,
स्टमक रोज का दिन में 3 से 4, 4 से 5 लीटर तक एसिड बनाता है खाने को पकाने के लिए, और हम वो 3 से 5 लीटर एसिड को झेलते रहते हैं, हमारे अंग झेलते रहते हैं, स्टमक, ईसोफेगस, ड्यूओडेनम, इंटेस्टाइन झेलती रहती हैं, और हम सोचते हैं कि ये तो बीमारी हो गई है और जेब में पैसे हैं तो खर्चो और बीमारी ठीक नहीं होगी बल्कि दूसरी दो बीमारियां लग जाएंगी। तो इसका एक ही तरीका ठीक करने का, अगर आप कच्ची सब्जी, फल, नट्स और सीड्स ही खाएं, जो मैं अक्सर समझाता हूँ, उसमें अंकुरित चीज़ें भी होती हैं और इसके बारे में डिटेल में किसी दिन बात करेंगे खाने के बारे में भी, तो हम अगर वही खाते तो स्टमक का एसिड उसको पकाने में लगता और पका के न्यूट्रलाइज हो जाता, कम हो जाता, बहुत ही कम हो जाता और कहीं भी बुरा असर नहीं करता, और वो बुड़बुड़ाना भी बंद हो जाता तो गैस भी बंद हो जाती, टट्टी तीसरे चौथे दिन साफ आती, उसके बाद साफ ही आती हमेशा, क्योंकि रफेज बहुत ज़्यादा जाता उसमें, पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि खाने में, ऐसे खाने में, कच्चे खाने में 60% पानी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बीमारी की जड़ को अगर ठीक करना है एसिडिटी और गैस की, तो कच्ची सब्जी, अंकुरित चीज़ें, फल, नट्स और सीड्स ही खाएं और थोड़ा थोड़ा करके खाते ही रहें। मैं तो कहूँगा हर 1.5 घंटे बाद, अगर ना भी हो तो हर 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद खाएंगे तो दिन में 6 बार खाएंगे, 1.5 घंटे बाद खाएंगे तो 8 बार खाएंगे, 3 दिन के बाद आपको एसिडिटी, गैस, ये सारी की सारी प्रॉब्लम चली जाएगी। इन एडिशन, बोनस में आपको ये मिलेगा कि लिवर साफ हो जाएगा, हार्ट साफ हो जाएगा, हार्ट की नसें साफ हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स साफ हो जाएंगी, ब्रेन फिट हो जाएगा, चुस्त हो जाएगा, और आपका शरीर 72 घंटे उस खाने को पकाता ही रहेगा, तो 72 घंटे तो आपकी फैक्ट्री चलती रहेगी, तो आप चुस्त रहोगे, चुस्त रहोगे तो एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, चुस्त रहोगे तो अंदर से खुश रहोगे, ऑर्गन्स तो खुश हुए ही हुए, आप भी खुश हो जाओगे और फिट हो जाओगे, फिर आप किसी से भी बात करोगे तो उनको लगेगा तुम तो साधु होगे, महात्मा होगे, बहुत अच्छे आदमी होगे, इसलिए चमड़ी भी साफ हो जाएगी, दमड़ी भी साफ हो जाएगी, ये करोगे तो पैसे भी बचेंगे और नौकरानी को भांडे भी ज़्यादा नहीं मांझने पड़ेंगे। अगर आपको शौक है तो पड़ोसी के जाके मांझ लो, खाना पकाना बंद कर दो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।